और जो भी आवे सारे सारे अगे गया और गया एक मैंने यार शो भाई आगे जा रहा है भाई पीछे हो यार आगे 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 प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख लीजिए सरकार कैसे रोक रही है, कैसे रोक रही है आतंकियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में सरकार हमें रोक रही है। ये मैं सरकार पे जो आतंकियों के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे 42 से ज्यादा 3 सालों में फौजी जवान इस जम्मू प्रांत में शहीद हुए, उस पर हम आज प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पे हमें सरकार रोक रही है। ये शेर बात है, देखिए हम चाहते हैं ये थोड़ा देखिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि फौरन आतंकी हमले जो हैं यहाँ पे रोके जाएं, आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हमें इस बात का बड़ा अफसोस है जो बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में ढोल बजा रही है हमने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म किया, वो बीजेपी आज आतंक पे बात नहीं कर रही है। जेसीए और प्लस 4 हमारे आर्मी जवान और उसके साथ 6 जख्मी हुए, कोई बात नहीं हो रही है, टस से मस नहीं हो रही है, एक बयान भी कंडेमनेशन नहीं इन लोगों का प्राइम मिनिस्टर और इसके साथियों का आ रहा है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो, यहाँ जो किलिंग्स हो रही है वो रुक जाए और बीजेपी जो ये खोखले दावा करती है, हम बीजेपी के आतंकवाद के खिलाफ साथ है अगर वो कार्रवाई करते हैं, अगर वो इस पे काम करते हैं कांग्रेस उनके साथ है। लेकिन ये जो दावे कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में डंका बजा रहे, हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, हमें जम्मू कश्मीर में आतंक को खत्म किया, वो कड़नाग में हमारे डीएसपी सीओ और मेजर समेत कितने लोग हमारे शहीद हुए, रजौरी पुंछ में कितने शहीद हुए, हमारे यात्रा में हमारे लोग जो है यात्री लोग वो शहीद हुए, हमारे कल बनी में इतना बड़ा हादसा हुआ वो शहीद हुए। टस से मस नहीं छुपा रही है यह सरकार, कमजोर है ये सरकार, कायर है यह नरेंद्र मोदी जो झूठ बोलता है लोगों को कि मैंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म किया।